अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू 9 नेटवर्क। सो आज का जो टॉपिक है वो है विलेन। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं ये एक सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ टॉपिक्स। ठीक है, सो टूडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द विलेन। अभी मैं मोस्टली इनिशियली स्विचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे में जाएंगे तो मैं आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी, देन राउटिंग प्रोटोकॉल, मीन्स L1 लेवल के ऊपर अभी फिलहाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं L2, NP, CCI लेवल के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं अभी फोकस कर रहा हूँ NA लेवल पे, CCNA लेवल पे। ठीक है, सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, इफ दे आर आस्किंग सम टेक्निकल क्वेश्चन लाइक वॉट इज VLAN, सो डोंट टेल देम कि VLAN इज अ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वो तो फुल फॉर्म हो गया, वो तो उनको भी पता है। आप इस चीज को किस तरीके से और जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज अ वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीलैन क्या होता है? वीलैन के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देना है। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है, किस लिए होता है? बेसिक लेवल टू सिक्योरिटी होती है। आपको वीलैन के बारे में और क्या पता है? अगर आपके पास 2960, आपने कोई भी ऐसे एक स्विच के ऊपर काम किया है, उसके ऊपर कौन कौन से विलेंस आपने देखे, आप बोल सकते कि मैंने 1 से लेके 1025 तक के विलेंस देखे हैं। करेक्ट, 1005 तक के विलेंस मैंने देखे। आपको ये सब चीजें बताना है। वन इज अ डिफॉल्ट विलेंस, 1002, 3, 4 एंड 5 बेसिकली यूज फॉर FDD एंड टोकन रिंग। यहाँ पे कैसे होता है विलेन का डेफिनेशन बताओ। सिंगल ब्रॉडकास्ट डिवाइस डिवाइडेड इंटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डिवाइस, उनको एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन अ विलैन, आपको वो सब चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है, अभी इंटरव्यू का ना कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो रहा है धीरे धीरे। दे विल आस्क यू द थियोरेटिकल पार्ट एज वेल, करेक्ट, एज वेल एज द प्रैक्टिकल पार्ट। अभी आप सोचोगे यार प्रैक्टिकल पार्ट कैसे पूछ लेंगे ये लोग इंटरव्यू में। यस, व्हाई नॉट, दे विल आस्क। मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल क्या होता है इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर अपने सीन को प्रेजेंट करता है और आपको कुछ टोपोलॉजी या नेटवर्क डायग्राम आपको शो करता है। जस्ट कंसिडर करो कि मेरे पास दो स्विचेस हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा आपको कि आपके पास फर्स्ट स्विच है, फर्स्ट स्विच के ऊपर आपके पास 4 यूजर पीसी है। सो फर्स्ट 2 यूजर पीसीज आर बिलोंग टू द HR डिपार्टमेंट एंड द सेकेंड 2 यूजर पीसीज आर बिलोंग टू द IT डिपार्टमेंट। Can you please tell me what are the configuration will you perform on this switch? Then you have to give them a correct answer with step by step. ठीक है, सबसे पहले आप बताओगे सर मैं विलेन क्रिएट करूंगा, उसका नाम दूंगा, तो उनके पास उनके काउंटर क्वेश्चन भी स्टार्ट होंगे। क्या ये विलेन का नाम देना नेसेसरी है? तो आप बोलोगे यस। नॉट ओनली द यस, आपको उसका जस्टिफिकेशन भी आना चाहिए। अगर आप बोलते हो नो, जैसे कि किसी ने पूछा कैन वी कॉन्फिगर विलेन ऑन स्विच, तो आपको ये आंसर देना है यस। नो, यू हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग। जितना आप टॉकेटिव रहेंगे, जितना आप बोलोगे टेक्नोलॉजी के बारे में, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि हाँ कर सकते, अरे कर सकते करेक्ट बात है, बट कैसे कर सकते, दैट इज वॉट ही इज आस्किंग, गेटिंग माई पॉइंट। उसको आपके कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात है कि कुछ लोग यहाँ पे मुझे कमेंट भी कर सकते, पूछ भी सकते कि सर लेकिन आप हमें टैक्टिक्स तो बताओ किस तरीके से आंसर करना है। ये आपने मुझे बता तो दिया कि विलेन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे किस तरीके से आंसर देना। देखो, इसके ऊपर ना मैं डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हर एक का स्ट्रेटेजी अलग होता है। अलग क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई मुझे पूछता है व्हाट इज विलेन, तो मेरा उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा, आपका अलग होगा। जैसे कि 2 पर्सन है, करेक्ट, मैं मोस्टली क्या कर रहा हूँ, मैं अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मैंने अपने वर्डिंग में प्रिपेयर किया है। अगर आप मेरे वर्डिंग में प्रिपेयर करोगे तो क्या होगा, आपको टाइम पे याद नहीं आएगा, फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने वर्डिंग में याद करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, अपने एग्जाम्पल के साथ डिलीवर करोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको फायदेमंद रहेगा, इंटरव्यूअर को फायदेमंद रहेगा और कंपनी का रिक्वायरमेंट जो रहेगा उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके कंसेप्ट फायदेमंद रहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? That's the only reason I'm not going to give the answers कि किस तरीके से आंसर देना है। वो तो आप गूगल भी कर सकते हो, आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, आज की डेट में हम लोग AI टूल का यूज करते हैं,
बार्ड यूज कर रहे, चैट जीपीटी यूज कर रहे, एक्स वाई से ऐसे बहुत सारे टूल्स है राइट। बट आप यहाँ पे डाल व्हाट इज विलन, 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, नॉट रिक्वायर्ड 5 पॉइंट। आपको 3 पॉइंट भी आ रहे हैं ना, विच इज गुड, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखो। रटी रटाई चीजें बुक्स में जो डेफिनेशन दी है कोई जरूरत नहीं है। आपके कंसेप्ट, आपके लॉजिक समझने के लिए इंटरव्यू आपका वेट करता है, आपके साथ डिस्कस करता है। ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग टू स्पीक और गिव द इंटरव्यू ऑन अ बुकिश लेवल लैंग्वेज। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये चीज हमेशा रिपीट इसलिए करता हूँ बिकॉज मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, देखे हैं, उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बुकिश लेवल का एक नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट वेन एवर आई एम आस्किंग देम अ काउंटर क्वेश्चन, अगर उनके लॉजिक क्लियर नहीं है तो वहां पे अटक जाते। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज होता है इन्होंने तो ये चीजें रटी रटाई है। तो एक चीज याद रखो, टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन नाउ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विलन। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास एक स्विच है, स्विच के ऊपर मल्टीपल विलन, जैसे कि दो विलन क्रिएट करना है मुझे। एक विलन था एचआर डिपार्टमेंट के लिए और दूसरा है आईटी डिपार्टमेंट के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरव्यू पूछेगा कि आप विलन क्रिएट करते तो उसको नेम देना नेसेसरी है। आपका आंसर है यस तो जस्टिफाई, इफ यू नो देन यू हैव टू जस्टिफाई। अगर आप बोलेंगे नो तो वो आपको और काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो आपको ये भी काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है, कैन यू डिलीट विलेन वन? आप बोलोगे यस देन वाई एंड हाउ। इफ बोलोगे नो तो आप उसको जस्टिफिकेशन कर सकते क्यों नहीं डिलीट कर सकते। आपको वो पूछेगा कैन कैन वी यूज MD02, 03, 04 एंड 05? तो आपको उसका आंसर देना है यस टू क्यू, नो टू क्यू, क्यों नहीं, आपको इसका आंसर देना है। क्या हम लोग ये विलेन डिलीट कर सकते हैं, यस और नो, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, एक स्विच के ऊपर मैक्सिमम कितने विलेन क्रिएट कर सकते हो वो भी बता सकते हो। अगर आपने कुछ हाई एंड डिवाइसेस, हाई एंड स्विचेस के ऊपर काम किया है, जहां तक मुझे पता है वहां पे हम लोग 4096 तक विलेन क्रिएट कर सकते हैं राइट। तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट विलेन, करेक्ट, व्हाट इज डेटा विलेन, व्हाट इज वॉइस विलेन, करेक्ट। तो ये सब चीजें भी आ सकते हैं, तो आपको इसको भी आंसर देना पड़ेगा। तो ये है, इट इज ऑल अबाउट विलेन टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पे ना आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ देंगे। जैसे कि मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो बेस्ड, दिस इज बेसिक लेवल। तो अभी ना वो आपको रिक्वायरमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट वाइज क्वेश्चन मतलब क्या और किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। कंपनी बोलेंगी कि यार हमारे पास ना चार डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक सीएस डिपार्टमेंट है, एक है हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट, और लास्ट में है हमारे पास एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट में मुझे पांच पांच यूजर पीसेस को ऐड करना है। तो आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या चीजें को किस तरीके से कर सकते हो? ठीक है, आपको क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, देन यू हैव टू स्टार्ट स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन। ईच एंड एवरीथिंग आपको बताना है। ठीक है, ही इज आस्किंग यू एनीथिंग, मतलब इसने आपको ना एक ओपन हैंड दे दिया, इंटरव्यू ने आपको ओपन हैंड दे दिया, बताओ आपको क्या क्या पता है। आप यहाँ पे बोलेंगे सर एक स्विच पे तो हो जाएगा ना, कर सकते हैं सर, पॉसिबल है। नो, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ आंसर, वो तो उसको भी पता है, लेकिन आपको बताना है कि आप स्विच जस्ट कंसिडर करो कि सर मैंने ये स्विच ले लिया, उसके ऊपर मैंने फर्स्ट पांच यूजर पीसी कनेक्ट कर लिया और मैं उनको एचआर डिपार्टमेंट के लिए कंसिडर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कनेक्टिविटी क्रिएट करूंगा, सभी यूजर पीसेस को कनेक्ट करूंगा, उसके पोर्ट नंबर लेबल कर सकता हूँ, नाम याद रख सकता हूँ मैं, या लेबल करूंगा तो कहीं ना कहीं फायदेमंद है। उसके ऊपर मैं विलेंस क्रिएट करूंगा, कितने विलेंस क्रिएट करना है, उसके नाम क्या क्या देना है और नाम क्यों देना है वो भी बता सकते हो। उसके बाद हर विलेंस को डाल सकते हैं हम लोग, अलग अलग नेटवर्क में भी डाल सकते हैं। जैसे कि अभी जस्ट कंसिडर करो, उनके पास ना और एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए, वो बोलेंगे जैसे कि आपने बताया कि डिफरेंट विलैन के यूजर पीसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो आप बोलेंगे यस सर करेक्ट, और टेक्निकली दैट इज द करेक्ट पॉइंट।
जस्ट कंसिडर दिस इज माई 1.1.1.1, सेकेंड यूजर पेज इज 1.2, थर्ड वन इज 1.3, फोर्थ वन इज 1.4। अगर मेरा फर्स्ट डिपार्टमेंट है HR डिपार्टमेंट जो कि है विलन 10 का हिस्सा, और सेकेंड डिपार्टमेंट है IT जो कि है विलन 20 का हिस्सा, तो माई क्वेश्चन इज हियर 1.1.1.1 ये 1.3 और 1.4 के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा क्या? तो क्वेश्चन का आंसर है यस और नो। आपको यस और नो में ही आंसर नहीं देना है, उसके बाद ना ट्राई टू एक्सप्लेन, गिव द जस्टिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज नॉट देयर टू आस्क यू यस और नो आंसर, करेक्ट? तो इस चीज का हमेशा से ध्यान रखना, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप अपने कंसेप्ट सामने के सामने इंटरव्यूअर के पास डिलीवर नहीं करोगे, तब तक वो आपके नॉलेज को जीरो कंसिडर करेंगे। नॉलेज, ओके, नॉलेज को जीरो कंसिडर करेंगे। यस एंड नो इसमें कभी भी आंसर नहीं देना, ठीक है? जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि आपने खाना खाया है, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए यस। आपको बताना है कि सर, हाँ सर, मैंने खाना खाया, आज मैंने वेज खाया, आज मैं नॉन वेज खाया, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आपको ये समझना चाहिए, ठीक है? अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, अभी सेम सेम सिनेरियो बेस में आपको बताएगा कि यहाँ पे 2.2.2.1 IP एड्रेस है, और ये भी विलन 10 का पार्ट है, और ये भी विलन 10 का पार्ट है। नाउ टेल मी दिस टू यूजर पीसेस आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, यस और नो। तो आपके पास जो आंसर होगा उसका जस्टिफिकेशन भी देना है, नॉट ओनली दिस थिंग्स की जस्टिफिकेशन नहीं देना है। अगर वो बोल रहा है कि दोन विलेन में, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर विलेन 10 और 20 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकते। वाई? डिफरेंट विलेन है, ऑब्वियसली डिफरेंट डोमेन बन गया तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकते। लेकिन अभी उसने क्या किया, दोनों विलेन को सेम इसमें डाल दिया, दोनों यूजर पीसी को सेम विलेन में डाल दिया, लेकिन उनके IP एड्रेसेस अलग है, तो ये कम्युनिकेशन हो सकते हैं क्या? तो योर आंसर शुड बी करेक्ट, या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। देखो मुझे आंसर पता है, लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है? आप वो बता सकते हो यस है कि नो है, अगर यस है तो वाई, नो है तो वाई नॉट, ठीक है? अभी आप बोलोगे कि सर इसके आंसर कहाँ पे मिलेंगे, ढूंढो। आपको ढूंढोगे, आप मुझे कमेंट करोगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही। अगर आप ढूंढोगे ही नहीं, मुझे कमेंट करके बताओगे नहीं, तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपको सभी के आंसर्स मिल गए, तो मैं उसके ऊपर तो जस्टिफिकेशन दूंगा भी नहीं। और आई होप कि आपको मिल गया है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है डिस्कशन, फर्दर डिस्कशन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है? क्योंकि आपको आ गया। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मैं अपने अकॉर्डिंग तैयार करता हूँ। जस्ट कंसिडर करो कि मेरे पास एक स्विच है, यहाँ पे IP एड्रेस है 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.3.1.1, 1.4.1.1। तो मैं ये बताऊंगा कि सबके सब एक ही विलेन में है, जस्ट कंसिडर सबके सब विलेन 10 में है, जो कि है HR डिपार्टमेंट का विलेन। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक स्विच है, स्विच के ऊपर चार यूजर पीसेस कनेक्टेड है, और सभी के सभी एक ही विलेन में कनेक्टेड है, जो कि है HR विलेन। यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि जो थर्ड वाला यूजर पीसी है, ये बाकी यूजर पीसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट ट्रबल शूटिंग विल यू डू इट हियर? आपको ये चीज का भी आंसर होना चाहिए, गेटिंग माई पॉइंट? और आपको हर चीज बताना है पे इसके अंदर, यहाँ पे यूजर पीसी से लेके केबल से लेके पोर्ट से लेके विलेन से लेके हर चीज का कॉन्फिगरेशन, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन देम। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? आई होप दिस इज ऑल अबाउट द विलेन, ठीक है? इसके बियॉन्ड में जनरली कोई पूछता नहीं विलेन के बारे में, दैट इज मोर देन इनफ। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज नेटिव विलेन? नेटिव विलेन भी पूछते हैं, नेटिव विलेन का कब यूज होता है वो भी पूछेंगे, तो आपको इस पॉइंट को भी नोट डाउन करके रखना है। हालांकि इनिशियली ये बताना चाहिए था जब मैंने मैनेजमेंट बाकी विलेन के बारे में बताया था, वॉइस डेटा, नेटिव विलेन ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। यस, दिस इज ऑल अबाउट विलेन, और इंटरव्यू में CCNA लेवल पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? इट्स नॉट बियॉन्ड CCNA, NP लेवल की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ना ही CCI लेवल की बात कर रहा, दैट इज कोर इन टू द NA लेवल, CCNA लेवल, ठीक है? आई होप
ये इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें विलेन में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप साइड में पेन ले लो, पेज ले लो, नोट डाउन कर लो और उसको फाइंड करने की कोशिश करो। अगर आपको तभी भी फाइंड करने के बाद आंसर नहीं मिलता है तो यू जस्ट कमेंट डाउन, कमेंट करो और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आंसर करूंगा। यप, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।